बॉलीवुड और टीवी शोज की न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बेयर ग्रिल्स एक ऐसा शख्स जो कीड़े मकोड़े सांप और ना जाने क्या क्या खाता है, जो घने जंगल में किसी भी हालात में मौसम की हर मार झेलते हुए जीता है। डिस्कवरी के मोस्ट पॉपुलर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके शो का हिस्सा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर तमाम मशहूर हॉलीवुड स्टार्स रह चुके हैं। अब इस शो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। शो डिस्कवरी चैनल पर 12 अगस्त को रात 9 बजे टेलीकास्ट किया जाएगा। तो आइए हर तरफ चर्चा बने बेयर ग्रिल्स के लाइफ के बारे में जानते हैं। लंदन में 7 जून 1974 को जन्मे बेयर ग्रिल्स का असली नाम एडवर्ड मिखेल ग्रिल्स है। उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। उनकी बड़ी बहन ने बेयर ग्रिल्स को जन्म के एक हफ्ते बाद बेयर निकनेम दिया था। बेयर ग्रिल्स को अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, अमेरिकन भाषाओं का नॉलेज है। बचपन में ही बेयर ग्रिल्स ने स्काई डाइविंग और कराटे में ब्लैक बेल्ट है। बेयर ने ईटन कॉलेज सहित ब्रिकबेक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी अपनी पढ़ाई पूरी की। बेयर ग्रिल्स ईसाई धर्म को मानते हैं। इन्होंने सारा ग्रिल के साथ 2000 में शादी की थी। इनके 3 बच्चे हैं। बेयर ग्रिल्स ने 3 सालों तक ब्रिटिश आर्मी में सेवा दी है। साल 2004 में उन्हें रॉयल नेवी रिजर्व में लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक से सम्मानित तक किया गया था। बेयर ग्रिल्स ने 1958 में 23 साल की उम्र में एवरेस्ट चढ़ने का सपना पूरा किया था। इसके 18 महीने बाद बेयर ग्रिल्स की पैराशूट ग्लाइडिंग के दौरान रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक बेयर ग्रिल्स की हालत ऐसी थी कि दोबारा ठीक होना मुमकिन नहीं था, लेकिन बेयर ग्रिल्स ने हर मुश्किल को पीछे छोड़ते हुए खुद को पूरी तरह फिट किया। बेयर ने साल 2003 में 5 दोस्तों की टीम के साथ नॉर्थ अटलांटिक ओशन क्रॉस किया था। उनकी जिंदगी में ऐसे कई एडवेंचर से भरे रिकॉर्ड दर्ज हैं। साल 2012 में बेयर ग्रिल्स ने मड स्वेट एंड टीयर्स द ऑटोबायोग्राफी नाम से ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। बेयर ग्रिल्स के बारे में कहा जाता है कि वो अपने परिवार से बहुत जुड़े हैं। जब भी किसी एडवेंचर ट्रिप पर निकलते हैं तो फैमिली की फोटोज साथ लेकर जाते हैं। बेयर ने अब तक कई टीवी शोज किए हैं। बेयर ग्रिल्स इसके अलावा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बेयर की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उनका शो दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शोज में से एक है। इनका हिस्सा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा तक रह चुके हैं। इसके अलावा टेनिस प्लेयर रॉजर फेडरर, बॉक्सर एंथनी जोशुआ समेत हॉलीवुड के कई बड़े एक्टर, टीवी प्रेजेंटेटर उनके शो का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।